होमवर्क दिए थे क्या? वो तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, इंट्रोडक्शन फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, फिल इन द गैपिंग बाय योर इंट्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन अच्छा तो सबको फिलअप करना था, तो सबने फिलअप किया ना, सबने फिलअप किया ना वो। लिखे थे। एक सेकंड हाँ सही था। हाँ कहाँ हो गई? चल ठीक है, हम बाद में करते हैं। हेलो, हाँ बोलो बाबू। तो इंट्रोडक्शन हो गया था, वो इंट्रोडक्शन के बाद हमने बताया था कि लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए यहाँ ध्यान देंगे, CW स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। तो आज का क्लास है, तो आपको डेट भी देना मैंडेटरी है, आप डेट देंगे आज के क्लास का, ठीक है? आज आपका डेट जो है 28 अप्रैल, वो है 28 अप्रैल CW। तो आपको बताया गया था वो लैंग्वेज के बारे में, तो हमने सिर्फ वाइडली ये बताया कि लैंग्वेज जो होता है वो भाषा जो होती है, तो लैंग्वेज को सीखा जाता है, और हम लोग कैसे लैंग्वेज को सीखते हैं। हमने ये भी बताया था कि कैसे एक बच्चा जो कभी बोलना नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है, तो उसके लिए भी एक अलग सा लैंग्वेज होता है। वो किसी चीज को, अपना दर्द को, अपना प्यास को, अपना भूख को कैसे वो अपने सामने, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके उनके सामने कैसे वो रखता है। हाँ, इसका भी हम चर्चा किए थे। तो मान लिया जाए, एज आई मीन लेट अस नो अबाउट एक छोटा बेबी, जिसके भी घर में बेबी है। बेबी का मतलब हो गया जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, जो गोदी में रहता है, तो जिसको भाषा का अभी कोई ज्ञान नहीं है। तो भाषा का कोई ज्ञान तब तक नहीं रहता जब तक वो बोलना नहीं सीखता है। तो जब बच्चा बोलना जान जाता है, तब उसको भाषा सिखाया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना है, बंगाली बोलना है, या मराठी बोलना है। तो भाषा तो बहुत सारे हैं, भाषा बहुत सारे हैं, लेकिन टाइप, इसका जो टाइप है, जो हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, तो अपने भाषा क्या है कि हम इसका डिफाइन क्या किए थे, कि भाषा डेफिनेशन लिखाया था ना बाबू, भाषा का बताया था ना कि ये कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है। तो भाषा सिर्फ हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को, यानी कि हम अपने मन के जो इमोशंस हैं, हमारे इमोशंस, हमारे जो वर्ड्स हमारे अंदर जो चल रहे हैं, कुछ हम अपने बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हम अपने मन के बातों को कैसे शेयर करेंगे, तो बांटने कैसे, तो शेयर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक वर्ड्स यूज करते हैं। अब जैसे हम तुम लोग को बोलेंगे कि बिना बोले हुए, अब बिना बोले हुए मान लो कि एक गिलास उठा लिया और हम बोल रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन, क्या क्या समझे इससे? प्यास पानी पीना है। पानी बिना पीना बो, अभी हमने बताया नहीं कि हम कौन सा क्रिया करना चाहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वी हैव टू डू, क्या करना है, अभी हम ये ड्रिंकिंग। बताया नहीं। तो अभी ये बताया नहीं हम आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर एक कर रहे हैं, इसको गेस्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? गेस्चर, इसको बोलते हैं इशारा। तो गेस्चर में, गेस्चर पोर्शन जो होता है, जिसमें हम मान लिया एक एक्टिविटी बताए कि पानी पीने का, तो हम बता नहीं रहे हैं। जैसे अब क्या कह रहे हैं कि कोई पेरेंट्स, हम बोलना नहीं चाहते हैं, मान लिया जाए कि ये जो वर्ड्स मुंह से निकल रहा है, हम किसी को बोलना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, तो हम कहेंगे। तो अक्सर हम देखते हैं कि ऑन द वे इन द मार्केट एंड ऑन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट एनीवेयर, कहीं भी हम ये देखते हैं कि कोई जो बोलता नहीं है ना, कोई मान लो कि कोई बेगर है, या कोई भूखा है, हंगर है, तो वैसे को, यानी खाने को कुछ दे दो, खाने को कुछ दे दो, वो ऐसा एक्सप्रेशन डालता है, तो वो इशारों में बात करता है। क्या कहते हैं उसको? इशारों में बात करना, है ना, बहुत सारा इशारों में, इशारों, हाँ इशारों ही इशारों में बात किया गया। तो इशारा में कोई वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ लैंग्वेज का बात करते हैं, तो लैंग्वेज में वर्ड्स चलते हैं, शब्द चलते हैं। लैंग्वेज को चलाने के लिए वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। वो वर्ड्स बनते क्या चीज से हैं, हम आपको बताए थे कि लैंग्वेज का सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? लेटर होता है।
स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर होता है, और इन्हीं लेटर्स के प्रयोग के से, इन्हीं लेटर्स के मेल से हम वर्ड्स का निर्माण करते हैं, और जब वर्ड्स बन जाता है तो इन्हीं सभी वर्ड्स को यूज कर, यस बाबू अभी थोड़ा समझा रहे हैं उसके बाद बताएंगे। तो लेटर्स लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले क्या जानते हैं, नो अबाउट लेटर, नो अबाउट लेटर एंड नो अबाउट वर्ड्स एंड नो अबाउट सेंटेंसेस फ्रेजेस एंड क्लॉज। हाँ लिखवा, ये कराया हुआ है पिछले क्लास में, हम ये करवाए थे इसलिए इसको मेल कर रहे हैं, सिर्फ अटैच कर रहे हैं। सेंटेंसेस जो नहीं किए होंगे उनके लिए वो उतार सकते हैं, जो बच्चे पिछला क्लास लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे वे बच्चे हाँ लिख सकते हैं, वे बच्चे लिख सकते हैं क्योंकि ये कराया गया है पहले भी, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, प्लेज एंड क्लॉज हमने बताया है, सबका हिंदी भी बताया था, सेंटेंस वाक्य, फ्रेज, वाक्यांश और क्लॉजेस उपवाक्य को बताए थे। तो हम लेटर से, अब ये सभी जो बन जाते हैं तो हम यहाँ पर हम पैसेज लिखना शुरू कर देते हैं, स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं, नॉवेल लिखना शुरू कर देते हैं, मैगजीन लिखना शुरू कर देते हैं। लिखना है ये सभी, इन सभी में जो लैंग्वेज यूज होता है वो जो लैंग्वेज, अब भाषा कोई भी हो सकता है, मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ पर कौन सा हम भाषा यूज कर रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज, लैंग्वेज ही सभी लैंग्वेज का प्रोसेस है, चाहे वो आप लैंग्वेज लिखना है जो हमने कहा वो जो वो जो बच्चे पिछला क्लास लास्ट क्लास जो नहीं किए थे, प्रीवियस क्लास में जो अटेंड नहीं हुए थे, यही चीज हम बात। बताए हैं आपको, कॉपी में लिखा हुआ, आप कॉपी में दिए भी हैं लिख करके, ठीक है ना। तो जो नहीं किए हैं उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। तो ये बन गया और ये आपका लैंग्वेज कहलाएगा, जिस जिस सर ये लैंग्वेज में हम, लिखना जी हो जिस, हाँ ना, सर ये लिखना है हाँ वो लिख लेना है, आवाज आ रही है, ठीक यस सर। सर है अभी लिखना है। जा रही है क्या स्टार्ट करें बाबू, हाँ स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर ये जो हुआ लेटर वर्ड सेंटेंसेस बनाए और ये लैंग्वेज है। तो अब बात करें कि यदि इंग्लिश लैंग्वेज का बात करें, तो इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश के लेटर्स कितने होते हैं, 26। इंग्लिश में 26 लेटर्स 26 होते हैं। अब यदि हिंदी का बात करें, हमें हिंदी लैंग्वेज सीखना है तो हिंदी में कितने लेटर्स होंगे, तो हिंदी में कितने लेटर्स होंगे, 52। हिंदी में 52 लेटर्स होंगे, ठीक है, हिंदी में 52 लेटर्स है। अब यदि हम बात करें कि उर्दू में, यदि हम उर्दू लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बताओ कि उर्दू में कितने लैंग्वेज होंगे, लगभग हम एग्जैक्टली नहीं पता है, 27-28 लेटर्स हो सकते हैं उसमें। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना या हिंदी या उर्दू, अलग अलग लैंग्वेज में उनकी लेटर्स यानी उनके वर्ण या अक्षर, लेटर्स को वर्ण या अक्षर बोलते हैं बाबू, उनके वर्ण या अक्षर, उनके वर्ण या अक्षर का नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर, हिंदी में 52, उर्दू में कोई और। अब यदि हम बात करें कि हमें फ्रेंच भाषा सीखना है, हमें स्पेनिश सीखना है, ठीक है, इस प्रकार हम लैंग्वेज जो सीखना चाहते हैं, तो उन सभी लैंग्वेजेस का पहले हमें लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए। जैसे फ्रेंच भाषा में लिखा जाता है, फ्रेंच में यदि फ्रेंच का बात करो तो इसमें भी अल्फाबेट पढ़ा जाता है, इन सभी लेटर्स को, ये जो लेटर्स होते हैं, ये जो लेटर्स होते हैं, इन सभी लेटर्स को अल्फाबेट कहा जाता है, हम बताए थे, इन सभी टोटल लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेज, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट, और अल्फाबेट को हम बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है। तो लैंग्वेज कोई भी हो, फ्रेंच हम जैसे पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंच में ऐसा बताया गया था, एक स्टोरी हम पढ़ाते हैं तो उसमें फ्रेंच, लिखे हाँ लिखो ना बाबू, तो फ्रेंच लिखा जाता है उसमें बा बी बे बू, इस प्रकार से उसमें लेटर्स लिखा जाता है फ्रेंच में। तो फ्रेंच भाषा में, हाँ, एग्जैक्टली नहीं, मतलब जो एक बता रहे हैं मीडियम की, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो फ्रेंच में हम उस प्रकार से उसमें लिखते हैं, जैसे हिंदी में क्या लिखते हैं, क ख ग घ आ ई, हिंदी में ए बी सी डी, इंग्लिश में ए बी सी डी लिखते हैं, है ना, इसका ये लेटर हो गया, सर हम लोग हिंदी का में स्कूल लिखते में हैं फ्रेंच पढ़ाया जाता आ आ ई, किसके किसके स्कूल में, वो उर्दू में जैसे है लिखते हैं स्कूल अली, सर उर्दू में जैसे, उर्दू में सर हमारे अली स्कूल में वे पढ़ाया जाता है। अली, हाँ अली वे ते से, इस प्रकार से उर्दू में पढ़ा जाता है, हम लिखना तो नहीं जानते हैं तो, बट वो जो पढ़ते हैं वो बता रहे हैं, यहाँ पर अली वे ते ट्वेल्थ से सीट लिखा जाता है है। हाँ चूंकि उर्दू लिखा जाता है तो हम ये कह सकते हैं, हम लोग इधर से लिखते हैं उर्दू, हम किधर से स्टार्ट करते हैं, पीछे से,
उर्दू पीछे से लिखा जाता है, आगे से नहीं, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं लेफ्ट और राइट की बात करें तो उर्दू को राइट से लिखना स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और जबकि और सभी लैंग्वेज को हम आगे से पीछे लिखते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन उर्दू को क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट उर्दू, ठीक है। और फ्रेंच है, स्पेनिश है, कोई भी भाषा है, इजी वे में हम सीख सकते हैं। यदि एक भाषा में हमें कमांड हो गया तो हम अगली भाषा को टच कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ, वो यदि कहता है कि यदि आप दो लैंग्वेज का जानकार हो, यदि आप दो लैंग्वेज का जानकार हो, और एक व्यक्ति कहता है कि नहीं हम दो से ज्यादा, हम उर्दू भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, स्पेनिश भी जानते हैं, तो यहाँ कहता है क्या, क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन हु नोज टू लैंग्वेजेस। अब कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, अधिकांश मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी कैन स्पीक हिंदी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एजुकेटेड हिंदी एंड स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश आर कॉमन इन आवर सोसाइटी, द पीपल कैन सर स्पीक, बायलिंगुअल द पीपल कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो हम यहाँ कहते हैं बायलिंगुअल। क्या बोलते हैं बाबू, बायलिंगुअल, जो दो 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 लैंग्वेज जो जानते हैं उनको द्विभाषी बायलिंगुअल कहा जाता है। हिंदी का बात करें तो यहाँ बोलेंगे द्विभाषी, द्विभाषी। जानने वाले लोगों को अब यहाँ अभी बता रहे हैं बाबू, अभी बता रहे हैं, बायलिंगुअल हो गया, बायलिंगुअल हो गया। कहीं कहीं आपको इसको लिखेगा बायलिंगिस्ट भी बोलते हैं, बायलिंगुअल हम करेंगे, बायलिंग्विस्ट लिखेंगे तो वहां पर्सन लिखना पड़ेगा, यहाँ बायलिंग्विस्ट, साक्षी हम गप का लोग कर रहे हो जी। हर्षदीप वीडियो ऑन कर डायरेक्ट, बाबू, हाँ वैदिक बाबू बायलिंग्वल वीडियो ही ऑन जानो कीजिए। आराम से। सेकंड नंबर में यदि कह रहे हो बच्चों कि सर दो लैंग्वेज नहीं, हम दो से ज्यादा लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो चीज आता है कि अ पर्सन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेजेस, मोर देन टू लैंग्वेजेस। अब देखो यहाँ पर मोर देन टू लैंग्वेजेस हो गया, यानी दो से ज्यादा, अ पर्सन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेजेस। अब वैसा व्यक्ति जो दो नहीं, दो से ज्यादा, तीन हो, चार हो या पांच हो, दो से ज्यादा कितना भी हो जाए, तीन चार पांच छह, तो दो से सर ज्यादा यदि जान रहा मल्टीलिंगुअल है, दो दो से ज्यादा जान रहा है, तो उसी समय उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब हो जाता है बहुभाषी, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बहुभाषी, ठीक है, जो दो से ज्यादा लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। यहीं पर एक चीज और याद रखना बाबू, एक एक चीज और याद रखना, यहाँ लिख रहा है पर्सन हु नोज, सिर्फ जानता है, लिखना और पढ़ना जानता है, ध्यान देना डिफरेंस क्या बता रहे हैं, लिखना और पढ़ना जानता है और बोलना जानता है, तो ए पर्सन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेजेस, दो से ज्यादा, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है, जानता है लेकिन एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति यदि एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, दो लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, तीन लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, दो से ज्यादा लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, सिर्फ जानता ही नहीं है बल्कि वो उसमें एक्सपर्ट है उस लैंग्वेज में, तो वहां पर इस प्रकार से होता है अ पर्सन, एक्सपर्ट हाँ वही बता रहे हो, अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट समझ रहे हैं, निपुण, एकदम व्याख्या विज्ञाता बोल सकते हैं, अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन मोर देन, एक्सपर्ट इन मोर देन टू लैंग्वेजेस, टू लैंग्वेजेस। वैसे व्यक्ति जो दो से ज्यादा भाषा में एक्सपर्ट होता है, तो दो से ज्यादा भाषा में एक्सपर्ट होता है तो उसको बोलते हैं, अब हम इधर लिख दे रहे हैं लिंग्विस्ट बोलते हैं, वैसे व्यक्ति को हम लिंग्विस्ट बोलते हैं, यहाँ लिंग्विस्ट लिखेंगे, अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन मोर देन टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, ठीक है। कितना कर लेंगे बाबू, सबका हो गया, नो सर, लास्ट लाइन अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन एक्सपर्ट मोर देन टू लैंग्वेजेस। मोर मोर देन टू लैंग्वेजेस, सर मैंने टू ही लैंग्वेज में एक्सपर्ट हूँ, एक लैंग्वेज में थोड़ा सा। सर मेरे यहाँ तो फ्रेंच पढ़ाया बायलिंगुअल, जाता फ्रेंच है। सर पढ़ाया जाता है ना, फ्रेंच होता ही सर है मुझे फ्रेंच, बताया भी नहीं उसने। सर हमारे स्कूल में फ्रेंच भी होता है। बताया भी नहीं कि फ्रेंच होता है,
सर आसान तो स्कूल में बताया नहीं गया होगा, हम लोग को बताया गया। क्या तुम लोग फ्रेंच का क्लास करते हो? सर भूल हाँ, के भी भूल नहीं करेंगे उसको। के नहीं करोगे? अच्छा ना है, फ्रांस जा करके काम कर सकते हो, नहीं सर नहीं, जिस हम लोग जहाँ संस्कृत का ले लेंगे लैंग सर। संस्कृत यार पेरिस जाएंगे तो काम आ जाएगा घुमाने के संस्कृत लिए। संस्कृत ले लेंगे, काम आ संस्कृत जाएगा ना, वहीं रह करके वहां पढ़ा सकते हो, वहां पर नहीं काम कर सर, सकते हो, संस्कृत जॉब जॉब कर संस्कृत। सकते हो। पेरिस घूमने का कुछ और ही मजा आएगा, कितना हाँ नहीं मजा सर, वही सर, आएगा। सर आईफिल टावर चाहिए चलो अभी सर, मैं टाइम भी तो तो ले है, लूंगा काका सर, मैं संस्कृत का ले तो पढ़, लूंगा। जिस प्रकार हिंदी में काका पढ़ते हैं वैसे ही तो फ्रेंच में बा बा भी बू कैसे बोलते हैं वैसे सीखना सर है। संस्कृत तो चल जाएगा। संस्कृत, संस्कृत का, संस्कृत भाषा का जो है वो आपका भारत में ही है, इंडिया तक ही रहेगा, ठीक है? कार है गई सर। हाँ चलो कार को लेके चल। क्लियर है वो, मिटा दें इसको। सभी यस सर, तो थोड़ा सा देख रहा हूँ बताइए। सभी लोगों का हो गया, ठीक नो सर, नो सर, मैं डूब गया सर। सर दो हम मिनट बाद सर, मैं थोड़ा सर हम पानी। जल्दी बोलिए, हो गया तो मिटा देते हैं, सर मैं थोड़ा पानी पी के आऊँ, पानी पी लीजिए फिर इसको वो मिटा के आगे लास्ट टाइम का बढ़ेंगे। जो है। सर मेरे जमीन के अंदर भी स्कूल बना हुआ है। सर क्या भरा हुआ? अच्छा, मेरा जमीन के अंदर भी स्कूल बना है, अंदर बंकर जैसा। बंकर जैसा जमीन के अंदर भी स्कूल बनाया हुआ है। हाँ सर, यस सर, वो ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है चाची, वो डे बोर्डिंग हाँ है। डन सर। डन बाबू, सर लास्ट है डन, ना, सर सबका डन हो गया। ठीक एक लास्ट है ये। नो सर, नो सर, है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना? सर आप पैराग्राफ राइटिंग भी सिखाइएगा। नो सर, क्या वो सर आप पैराग्राफ राइटिंग भी सिखाइएगा, आपने लिखवाया था। यस, मैंने पूरे लैंग्वेज में ही बताया है कि क्या क्या करवाऊंगा, पूरा सिलेबस सर दिया गया है। मतलब अरे चाहिए सर, बाबा, मैथ बहुत धीरे धीरे लिखते हो, वैसे धीरे लास्ट धीरे में लिखोगे तो फिर तो मिटा ही चाहिए देंगे ना। सर। रुक जाए, सर थर्ड नंबर का थर्ड आंसर क्या है? थर्ड नंबर का आंसर क्या है? सर नंबर रुक जाइए ना, रुक का आंसर कौन सा? थर्ड नंबर जाइए सर, लास्ट वाला सर। यहाँ लिखा हुआ है, डन थोड़ा रुक जाइए ना। रुक जा, रुक लास्ट रुके वाला हो, लाइन मत मिटाइए बस। इतना तो टाइम दिए ना, वो इतना टाइम देता है। हाँ, तुम लोग तो क्लास में बहुत धीरे सर धीरे मैंने लिखते हो, लिखा था तुमने नहीं यार, सर लिखा था, तो तो स्पीड, मैथ क्लास में तो बहुत तेज लिखता है सर। अपना स्पीड बढ़ाओ। चलो नेक्स्ट मैंने बाबू, अब हम जान गए लैंग्वेजेस, हाँ डन लैंग्वेज सर, को कैसे, लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, तो उसका पहला फर्स्ट स्टेप क्या है लैंग्वेज सीखने का? तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से, वेल नोन, अच्छी तरह से जानना है, तो उसे हमें सबसे पहला स्टेज है कि उसको सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। 5 स्टेप्स, यहाँ 5 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे किसी भी लैंग्वेज को, हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज, हाउ टू लर्न अ सर लैंग्वेज। हाँ हाँ लिखो ना, इसको लिखो। तो कहता है किसी लैंग्वेज को यदि आपको इजी वे में सीखना है, किसी लैंग्वेज को इजी वे में सीखना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो द तनय क्या कर रहे हो फाइव। जी? तनय तनय,
फॉलो द 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो उसको आसानी से यानी कि इजी वे में उस लैंग्वेज को, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, हाँ ये स्टेप्स आप पर छोड़ा जाता है। इट्स ऑली फुल्ली डिपेंड्स ऑन यू व्हेन एवर यू गेट द टाइम, व्हेन व्हेन यू हैव स्पेयर टाइम यू नीड एंड यू हैव टू डू दिस ऑल द एक्टिविटीज एंड द करिकुलम इन योर डेली लाइफ, बिकॉज दिस 5 स्टेप्स यू हैव टू डू इन योर डेली रूटीन, डेली एक्टिविटी में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इंक्लूड योर डेली एक्टिविटी, देन देन द पर्टिकुलर लैंग्वेज इज योर्स, जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं वो आपका हो जाएगा। और स्टेप क्या है, पहला कि उस रेफरल, उस प्रिफर जो दिया हुआ है ना, उस रिलेटिव लैंग्वेज का, उस रिलेटिव लैंग्वेज को आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा। लेटर से ही सुनना स्टार्ट करें, लेटर से ही हमको स्टार्ट करना, पहला क्लास लेटर्स का है, तो उस लेटर्स को ही हम क्या करेंगे, लिसनिंग सुनेंगे भी। लिसनिंग तो पहले हम उसको सुनेंगे, ठीक है, बढ़िया से सुनेंगे। लिसन करने के बाद उस लेटर्स को सुनेंगे और फिर उसको देख देख कर, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग, फिर उसको हमें लिखना है, उस लेटर्स को लिखना है। अब जैसे शुरू से कोई बच्चा एबीसीडी नहीं लिखना जानता है, तो एबीसीडी हम लिखना जानते सिखाएंगे उसको। सी एंड राइट, क्या बोलते हैं, लुक एंड राइट, लुक एंड राइट, उसको देखो और उसे हाउ वो लिखो और उसको फिर शुरू कि कैसे उसको पढ़ाया जाता है, तो उसको सुनो भी। तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप लिसनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अब उसको सुन भी लिए, लिख भी लिए, अब उसी चीज को अपना मुंह से बोलना भी है, स्पीकिंग, अब उसको बोलो भी, उसे डेली करना है। जितना मान ली 5 ही लेटर्स हम सीखे हैं आज स्टार्टिंग में, तो उस 5 लेटर्स को हमने लिखा 5 5 टाइम्स, 5 टाइम्स लिखने के बाद उसको हम सुने भी और उसे हम बोले भी, तो बोलेंगे स्पीकिंग करेंगे। यस राइट, एंड फोर नंबर, या यू हैव टू राइट, लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग, फिर आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्विंग होता है, फिर आपको यहाँ आप कर सकते हैं, है ना, अंडरस्टैंड। रीडिंग कर दीजिए। हाँ रीडिंग छूट गया था ना, रीडिंग ही होगा, रीडिंग एंड लुक एंड राइट था ना, तो उस चीज को आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बोलना अलग चीज है, उसको पढ़ेंगे भी, पढ़ना 4 स्टेप हो गया। और पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप है कि उसी चीज का रिवीजन करना है, एक बार करके छोड़ दोगे तो नहीं होगा, डू रिवीजन तो मुझे रेगुलरली। पता था आप रिवीजन कैसे पता था कि उसको रिवीजन करना होता है, ये सिर्फ जानते हो लैंग्वेज के लिए नहीं है, कोई भी चीज नया चीज होता है ना, देखो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये आपके लिए इजी है क्योंकि आप उसको जानते हो, किसी चीज को इजिली रिकॉग्नाइज कर लेना, वन हु इन आवर सोसाइटी इन आवर कंट्री एंड द स्टेट एंड द स्कूल, साइड बाय वी कैन नो साइड एनी वन, वी कैन नो एनी वन एंड एनी थिंग इजिली, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो, वी हैड ऑलरेडी नोन अबाउट दैट पर्सन और द दैट थिंग्स, देन उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस चीज को हम जानते हैं उस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो अबाउट एनी थिंग एल्स, यू कांट एक्सप्लेन दैट इन ब्रीफ, अच्छे से उसको तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, बट एनी थिंग यू यू नो, तुम जानते हो, एनी थिंग यू नो वेरी वेल, यू कैन एक्सप्लेन दैट, यू कैन रिकॉग्नाइज दैट एंड यू कैन मेक अंडरस्टैंड दैट, आसानी से उसको बता भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये सबको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज को जब हमें को अपना बनाना है, आवाज जा रही है, हेलो सर आवाज जा रही है ये वो, किसने हाँ, तो किसी चीज को हमें अपना बनाना है, गाना सुने हो ना, या गाना थोड़ा सा तो लिसनिंग, लिसनिंग म्यूजिक इज आवर हॉबी। हाँ तो बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन हैव द हॉबीज एज लाइक मी, प्लीज लिसनिंग म्यूजिक, तो लिसनिंग म्यूजिक ये वाला तो हो गया ना बाबू, ये हो गया ना, तो बहुत सारे बच्चे का हम एज मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी,
लिसनिंग म्यूजिक भी बहुत सारा का होता है ना, तो हम लगता है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द हॉबी लिसनिंग म्यूजिक से, नो कोई सर, जबन यस सर, यस लिसनिंग इज द सर, नो हॉबी सर, यस या? सर, हाँ, तो लिसनिंग म्यूजिक में गाना गाना बहुत ही अच्छी नो कला है, यानी सर, सिंगिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग इज एन माय आर्ट। हॉबी इफ इज यू नॉट। हाँ इफ यू ऐड द म्यूजिक, इफ यू ऐड द सिंगिंग, सिंगिंग क्या है, सिंगिंग और म्यूजिक क्यों सुनते हैं लोग, इंटरटेन करने के लिए अपने मन को, है सर ना, थोड़ा सा ब्लर बहुत कर रहा खुश, है। हाँ खुश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो यदि पढ़ाई में, स्टडी में भी थोड़ा म्यूजिक हो जाए, लिसनिंग हो लिखने जाए, हाँ, तो कितना अच्छा होता है। तो किसी चीज को ऐसा कहा जाता है, इट इज थॉट्स, इट इज अ बिग सर थॉट्स, ब्लड दिख रहा एंड है। क्लियर है वो, कोई दिक्कत नहीं, ब्लरिंग नहीं है, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड बिठा रहे नो हो सबका, हो गया, सबका सर, ठीक, 3 4 5 नहीं मिटाइएगा। यस सर, यस सर। सर 3 4 5 नहीं मिटाइएगा। तो कहता क्या है ना कि इसको आप बुरी तरह से, यानी कि पूरा ठीक तो है बाबू, कहाँ आपको ब्लर दिख रहा है, नो सब लोग सर, को ठीक दिख रहा ब्लर है। आ रहा है। अभिनव ठीक नहीं है, है अभिनव अपना वीडियो ऑन कीजिए, साक्षी ठीक ऐसे करके करके बाबू, जिसको नहीं दिख रहा बाबू हम ग्रुप में भेज देंगे, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके सर। लेट्स गो हल्ला मत अहेड बाबू, कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को मिलते रहेगा, जिसको छूटेगा छूटेगा, हम जो टाइम देंगे उसी टाइम में ना लिखना है ना। तो ये एक्टिविटी देखो, लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि लर्न लैंग्वेज, यहाँ हम ग्रामर, ग्रामर भी डाल सकते हैं, ग्रामर को सीखना भी है, तो हर चीज है। हम लोग करते क्या है, इन आवर डेली लाइफ लिखते हैं और रीडिंग भी देते हैं। तो लिखना, राइट एंड रीड कंपल्सरी, राइट एंड रीड, तो ये दोनों चीज होते रहता है। या तो हम घर पर बैठ के कोई चीज लिख, कोई चीज को हम क्या करते हैं, पढ़ते टाइम रहते हैं बुक पीस लेकर के, ठीक है, हाँ, दो ही काम हम करते हैं, लेकिन और नहीं करते हैं। अब उस चीज, जिस चीज को हमने लिखा और पढ़ा, उस चीज को हम सुनते नहीं अपने कानों से, क्योंकि फाइव सेंस ऑर्गन बाबू, साइंस में आप पढ़ते हैं, फाइव सेंस ऑर्गन, फाइव सेंस ऑर्गन्स को आपको स्टडी इज द, सर। हाँ, फाइव सेंस ऑर्गन्स को आपको एक्टिव करना होता है, एक्टिव से ही बनता है एक्टिविटी। तो हम सभी ऑर्गन्स को एक्टिव करेंगे जब उस पर प्रेशर डालेंगे। अब देखो, कोई मान लो कि कोई बैल है, ऑक्स जिसको बोलते हो, और उसको चला रोड पर चलाया जा रहा है, उस पर बोझा डाल दिया है, और उस बैल को चलने का मन नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से खड़ा है, साइड तो क्या प्लीज। करता है, हाँ, उस बैल को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे से, है ना, उसको हुरते हैं, चलो आगे बढ़ो, तब बैल वो आगे मारते बढ़ता हैं है, हाँ, मारते हैं सब मारते मारते हैं। हैं, क्या सेंस ऑर्गन पे उसको दबाव डालना पड़ता है, तो प्रेशर डालोगे तभी तो वो एक्टिव आई होगा, डोंट डन ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज को एक्टिव करना है, देख सकते हो कि सुनने का काम ईयर से करते हैं, लिखने का काम हम लोग हैंड से, और बोलने का मुंह से, जीभ का यूज किया जाता है, टंग भी हमारे सेंस ऑर्गन है, और रीडिंग का माइंड से रिलेटेड है, रिविजन तो सब कुछ है ही, हम लोग रिविजन करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। अब यहाँ से आपका ग्रामर स्टार्ट होगा, बहुत लैंग्वेज हम पढ़ लिया, और बहुत सारा चीज, जो चीज हम हमें करना है वो आपको सिर्फ बताया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, उस डायरेक्शन पर आपको चलना है, हाँ, डायरेक्शन दिया गया, उस अच्छा डायरेक्शन पर चलना है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, तो ग्रामर का पहला टॉपिक, ठीक है, तो हम हेड, हाँ चलिए, बेसिक इंग्लिश का बैच चल रहा है ना, यहाँ पर आप हेडिंग में डालिएगा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से अभी तक तो लैंग्वेज चल रहे थे, अब किसी, हमने बताया है कि किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानना है, अच्छी तरह से जानना है, तो उस लैंग्वेज के ग्रामर पोर्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ग्रामर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर, और इसमें क्या है, तो सिलेबस देखिएगा, तो सिलेबस का पहला टॉपिक क्या है, आप उठा के बताइए, सिलेबस में पहला टॉपिक क्या दिया हुआ वो? इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक तो इंट्रोडक्शन का द अल्फाबेट होगा। अभी सर द अल्फाबेट, क्योंकि सर हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज अल्फाबेट, पढ़ा है। चलिए अल्फाबेट में चलेंगे, उससे पहले ये देखेंगे,
ग्रामर पढ़ना हमें जरूरी क्यों है? क्वेश्चन यहां से निकलता है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर? अगर इंग्लिश तो कुछ भी बोल देंगे ना। हाँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना जरूरी क्या है? या हम इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन स्पष्ट होता है, इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन हम यहाँ पर आराम से दे सकते हैं कि हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना जरूरी क्यों है, या कोई भी ग्रामर पढ़ना क्यों जरूरी है, हम पहले भी बताए हैं। हम लोग ये बताते हैं कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, या लिख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, या रूल्स का एक, है ना, रूल्स का एक पूरा सेट है। जैसे हम पूरा कहते हैं कॉपी है, किताब है, तो पूरा एक रूल्स का किताब है, सेट ऑफ रूल्स डैट डैट टीचेज अस, जो हमें सिखाता है कि हाउ टू राइट, हाउ टू राइट ना एंड हाउ टू राइट स्पीक एंड रीड इंग्लिश करेक्टली, ना इंग्लिश करेक्टली। लिखना हाँ, है लिखो बाबू, दिए तो सर या हाँ लिख लो बाबू। लिखे यस लिखे यस, ठीक है, ओके, लिख लिए सब लोग? लिख नो लिया सर। बाबू, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। तो सर अभी तो हम लिखना ग्रामर के स्टार्ट ऊपर, कर रहे हैं थोड़ा सा और है। डैट्स भाई, डैट्स भाई, सुबह डैट्स भाई वी नीड आया टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर। ये हमने डेफिनेशन भी दे दिया और क्यों पढ़ना मुझे चाहिए ये थोड़ा भी दे सा दिया। काम है। किसी का अनम्यूट है। हो गया उन सबका, मिटा दे वो। नीचे स्पेस से नीचे लिख दीजिए। अब क्या हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब आगे बढ़ाएंगे ना। वैदिक वीडियो ऑन कर बाबू, ए अभिनव बाबू, अंशु वीडियो ऑन करो, अभिनव ऑन करो, तनय बाबू ऑन कीजिए। आ सो रहे अंशु, बहुत पिटेंगे जी। बढ़िया सैदान सोतली सब है। सर ये सेट ऑफ रूल्स लिखा है। चलिए हाँ, सेट ऑफ रूल्स। इतना धीरे लिखता है वो, इतना धीरे लिखोगे? ठीक सर अभी है, तो जितना है। आई हैव डन सर। या बाबू, सर आई हैव डन। ओके बाबू, अरे गुड, अब चलिए, ऑल हैव डांस। कंप्लीटेड। यस सर। लेट्स क्लियर। अब मिटाइए मत आंसर। क्यों सर आंसर मत नहीं, मिटाइए। अब क्यों नहीं सर मिटाएं? नीचे टाइम वाला हाउ टू टाइम राइट वाला मत भी। सर नीचे वाला मत भी तारीगा थोड़ा एंड रीड इंग्लिश करेक्टली। सॉरी। हाँ, इसमें कलेक्टरी की बात करेक्टली की बात बता रही था। लिखना स्टार्ट कीजिए ना। हो गया सबका वो? नो सर लास्ट यस सर। लाइन। सर अब ये चल करेक्टली जाएगा, नो सर अब करेक्टली ये नो स्क्रीनशॉट में चल जाएगा। करेक्टली तुम लोग को जितना डांसर टाइम देते हैं ना, उतना ही तुम लोग ये करते हो। सर चलिए, आपको अब यस अल्फाबेट से शुरू करें, ये लिखेंगे बाबू, आप हेडिंग दे देंगे अल्फाबेट।
कम से कम स्क्रीनशॉट तो भेज दीजिए। सर हाँ वो सर को बोल देना स्क्रीनशॉट भेज अच्छा बाबू देंगे भेज दिया जाएगा अल्फाबेट। अभी भेज दीजिए। अल्फाबेट क्या है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स एंड फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम। That is from A to Z is called the alphabet. The alphabet, जिसको हम बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है, 26 के बाद क्या लिखे हैं? 26 लेटर्स, दैट इज जो पढ़ते हैं ना वो आई सर इसको डॉट लिखना ई, है दैट इज। मेजर्स हाँ इसको एल्फेंट, लिखना है क्लियर। तो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखना ट्वेंटी है सिक्स लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो क्वेश्चन इससे मेरे निकलता पास है कि लेटर, मेरे पास क्या लिखा है? हाउ कौन मेनी लेटर्स, सा ब्लर दिख रहा है? हाउ कौन के बाद क्या लिखे? मेनी लेटर्स इन इंग्लिश सर लैंग्वेज, किसके पॉइंट के बाद क्या लिखे हैं? सर बाद बाबू? ए टू जेड इंस्टॉल्ड इज कॉल्ड द अल्फाबेट, इज सर, कॉल्ड द अल्फाबेट। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, और ये यहाँ ट्वेंटी पूछ रहा सिक्स हाउ के मेनी बाद क्या लेटर्स इन, इसका लिखे हैं? आंसर आपको देना है बाबू। आंसर देने सिखाए हैं नंबर टू, आगे पढ़ा रहे हैं। अल्फाबेट में नंबर टू हाउ मेनी, डायरेक्ट लिखना है ब्रेड यस हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स इन द अल्फाबेट। अल्फाबेट फाइव में हाँ वॉवेल्स वो लिखना है, एंड थर्ड हाउ मेनी। द सर आप इजी इजी दे रहे बहुत। क्लास स्टार्ट हुआ बेसिक वाला ना, अभी इजी लग रहा है, लग रहा है कि इजी पढ़ाएंगे हम। हाउ मेनी सेमी वॉवेल्स इन इंग्लिश, सर एडवांस में उसके लगता है भर पढ़ा रहे हैं आप एडवांस को। एडवांस में तो मैं पढ़ बेसिक, लूंगा। थ्री बेसिक का आसान मतलब क्या होता है वो, या बेसिक का मतलब क्या होता है? एकदम नीचे, एकदम पढ़ना नीचे, आसान हाँ नीचे से पढ़ना। तो से ऊपर सर तो कितना अच्छा से पूरा पढ़ा रहे हैं, एडवांस कितना को आ रहा अच्छा से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? अल्फाबेट का जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना? तो वो दिख रहा। सर इसे होमवर्क इनवाइट, ना बना के भेजना है। अच्छा चलो ना यहाँ होमवर्क ले देते हैं, ये होमवर्क। थैंक यू। सर होमवर्क को भेज दीजिए। अल्फाबेट इज और रिटन इन होमवर्क टू वेज। कितना बजे भेजना अल्फाबेट को दो तरीकों से लिखा जाता है, है? वो सेमी तरी मतलब हाँ वो क्या दो होता तरीकों से है? लिखा जाता है। वो दो तरीका क्या है वो आपको लिखना है। सर सेमी मीम, वावल्स मतलब क्या होता है? और देम, देम क्या है दो अल्फा? एंड नेम एंड सेमी वावल्स मतलब क्या होता है? सेमी सेमी दिख रहा है सर हिंदी एंड इंग्लिश वोवेल्स क्या है? किसमें इसमें सर? कुछ नहीं दिख रहा है। सर क्या नहीं, किसमें क्या नहीं दिख रहा वो? सेमी वोवेल क्या है? मेरा सेमी वोवेल्स क्या है बता रहे हैं आप? क्वेश्चन उठ रहा है सब, ये पूरा हो गया क्वेश्चन। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये होमवर्क में जाएगा। इसको हम लिखने के बाद इसको हम मिटा नहीं जा रहे हैं, ठीक सर कितना है? सेमी वोवेल्स है? पे है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर। सर।
सर कितने बजे तक ठीक है भेजे सर, हैं? और भेज देते, ठीक है, हो गया। सर कितने है बजे बाबू, तक ये भेजे हैं? और ये इसका फोन स्क्रीन वाले शॉट, का इसका आंसर क्या इसका स्क्रीन होगा? शॉट सुनो बाबू, इसका स्क्रीन शॉट हो गया है। इन सभी का आंसर आपको देना है, हम कुछ समझाने जा रहे हैं अभी, वो आप समझो, ठीक है। बेटा अब उतार लेना है, स्क्रीनशॉट भेज दिया गया ग्रुप में। अब देखिए अब अल्फाबेट का कमाल क्या है कि अल्फाबेट पढ़ा रहे हैं सर, अल्फाबेट का और जानकारी बाबू, दीजिए। अल्फाबेट का मतलब होता है वो वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? हिंदी में भी वर्णमाला कहलाता है और इंग्लिश में भी अल्फाबेट कहलाता है। तो यहाँ से हम यदि अल्फाबेट का बात करें तो अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं। अरे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? इसको ट्वेंटी लिखना सिक्स है। लेटर्स होते हैं। हाँ ये लिखना है, ये 26 लेटर्स होते हैं। तो इस 26 लेटर्स में, इन 26 लेटर्स में 21, 21 आपका कॉन्सोनेंट्स होता है, 21 कॉन्सोनेंट्स होता है एंड द फाइव फाइव वॉवल्स होते हैं। तो ये पूरा कॉन्सोनेंट और वॉवल्स मिला करके 26 लेटर्स होता है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स का बात करें तो ये तो आप जानते हैं कि लिखना हम आपको बता, ओ एंड यू, है इसे, ये लिखना ए है आई आई इसको, फाइव लिखना है फाइव लेकिन मेरे वॉवल्स हैं। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? सर इसको लिखना हाँ लिखना है बाबू। तो ये पांच वॉवल्स हो गए हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 हो गए हैं। तो ये वॉवल को छोड़ा के है। तो बी सी डी सर वो एफ जी एच है ना, उसको छोड़ा के ये जो भी हो जेड तक हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, ये कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सवाल ये उठता है कि अल्फाबेट हॉरिजॉन्टल को या कहा जाता है। वर्टिकल में लिखना है? सर अल्फाबेट को तो हम पहचानते हैं कि उसमें कि कॉन्सोनेंट कौन है और वॉवेल कौन है। वॉवेल का बात करें तो इसे बोला जाता है स्वर, ठीक है। और यदि कॉन्सोनेंट्स का बात करें तो कॉन्सोनेंट्स को बोला जाता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, ठीक है, ये है व्यंजन, ठीक है, व्यंजन और स्वर। अब ये सवाल है कि इसमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स में 21 और 5 है। तो कहता है कॉन्सोनेंट्स में से ही दो ऐसे लेटर्स हैं, टू लेटर्स, दो ऐसे लेटर्स हैं जो सेमी वॉवेल का काम करते हैं। सेमी वॉवेल क्या है? इसको हम सेमी वॉवेल क्या है? टू लेटर्स, डब्ल्यू एंड वाई सर, हाँ टू वाई लेटर्स एंड सेमी डब्ल्यू। वॉवेल है जो डब्ल्यू एंड वाई होता है। डब्ल्यू एंड वाई का उच्चारण, ये जो इसका प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएट लाइक बोथ कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड दोनों की तरह से इसका आवाज निकलता है, इसलिए डब्ल्यू एंड वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है, ठीक है। इतना हो गया ना, वो क्लियर हो गया, सब उतार लिए, ठीक तो है, मिटा देना। सर, यस सर, सर ग्रुप हाँ में भेज दीजिए। सब कुछ ग्रुप में भेज सर देंगे, तो लिखोगे क्या? मिटा दीजिए आप। नो सर, अभी 5 मिनट बाद सर मिटा दीजिए। लेट मी रेज, ग्रुप में नो भेज सर, सर, नो सर, ग्रुप में ठीक है भेज बाबू, ग्रुप में भेज रहे हैं, हल्ला मत कीजिए, ठीक है बाबू। इसको हटाते हैं, ये अल्फाबेट हम जान गए, कॉन्सोनेंट और सर वॉवेल के बारे में जान गए। कॉन्सोनेंट मैं और वॉवेल और सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल और सेमी लिखा वॉवेल, था सर, और टाइम फिर हो उसको, गया। हाँ प्रोनंसिएट लाइक बोथ साउंड। अब कहता है कि अल्फाबेट साउंड भी होता है, लेटर्स में साउंड होते हैं, लेटर्स साउंड साउंड का मतलब क्या हो जाएगा? ध्वनि। तो कहता है कि एक ही लेटर्स के अलग अलग ध्वनि हो सकते हैं, एक ही लेटर्स के हम साउंड पर काम करेंगे, एक ही लेटर्स का अलग अलग ध्वनि होगा, तो ध्वनि यहाँ पर जो होगा एक ही लेटर्स का, वो भी दो ही तो होते हैं। एक होता है वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड करने का मतलब है कि सिर्फ वॉवेल से नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर से भी वॉवेल साउंड, साउंड अलग चीज है, वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड,
ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है पढ़ना, साउंड पढ़ना जरूरी है कि लेटर्स का साउंड अलग अलग होता है बाबू, और साउंड दो तरह के होते हैं भावेल, इसको बोलते हैं स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि, और इसको बोलते हैं बाबू व्यंजन ध्वनि, इसे बोलते हैं व्यंजन ध्वनि, ठीक है, व्यंजन पर इसको तो ध्वनि। लिखना है। तो यहाँ देख लिए क्या, भावेल साउंड और ये पर व्यंजन इसको तो कॉन्सोनेंट लिखना है साउंड, तो क्या नाम कैसे लिखेंगे, लिखना। व्यंजन ध्वनि, ठीक है। तो हम साउंड का चर्चा करेंगे, तो लेटर्स आप सर देखते इसको होंगे, लिखना और है यदि हम बात करें कि लेटर्स के बारे में बात करें, तो आप देखते हैं कि लेटर्स होते हैं, सर इसको लिखना हाँ लेटर्स 26 होते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि इंग्लिश में साउंड कितना होता है, साउंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ा होगा। लेटर्स 26 होते हैं, लेकिन लेटर्स का जो ध्वनि निकलता है, जैसे सी एच से च भी होता है और सी एच से क भी होता है, देखो साउंड, सी एच से च भी होता है और सी एच से क भी होता है, तो सी एच से च और क दो को ध्वनि हो गया, च हो रहा है और क हो रहा है। अब देखे होंगे जैसे हम लिखते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री लिखते हैं तो यहाँ पर सी एच से क्या बोलते हैं, क, और जैसे लिखते हैं सी एच ई और सी एच चर्च, यहाँ पर सी एच से, यहाँ सी एच से क और यहाँ सी एच से ज, सर तो एक ही लेटर्स का यूज करते हैं तो अलग अलग ध्वनि से यूज किया जाता है। तो ये ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं, लेटर्स तो हम 26 जानते हैं लेकिन साउंड्स नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके साउंड्स पर चर्चा करेंगे कि लेटर्स के साउंड कितने होते हैं और कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है बाबू। सर डन इंग्लिश में कितने साउंड्स होंगे उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना बाबू, ठीक है डन, ओके बाय बाय, सब लोग होमवर्क कर लेना बाबू, बढ़िया से होमवर्क बना करके, और हाँ होमवर्क बना करके आप भेज दोगे, और होमवर्क आज का दिन 28 अप्रैल का जो हुआ है, ये 28 अप्रैल का होमवर्क डी आई वाई के रूप में आज